हूँ संगीता शाह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डेली गाइडेंस के इस सेशन में आज आपके लिए मैं एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग आप में से मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि मैम, बहुत प्रॉब्लम्स में है, ये तकलीफें हैं कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं, आज की मेरी रीडिंग आप सभी लोगों के लिए ये लेकर आई हूँ कि आपकी ये जो मुश्किलें हैं, आपकी ये जो तकलीफें, ये कब ख़त्म होगी और ये सारा जो समय है, ये टफ टाइम से आप कब बाहर निकलोगे। तो दोस्तों, आप जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, उन सबसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, ताकि आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस रोज़ मिलती रहे, जिससे आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी एंड 100% मिलेगी। तो आइए देखते हैं कि आपके ये जो टफ टाइम है, आपकी ये जो परेशानियां हैं, ये कब तक ख़त्म होंगी और आप इतनी परेशानियों वाले इस समय से कब तक बाहर निकलेंगे, है ना। तो एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। जो भी लोग इस वक्त एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और डेली बेसिस पे इसको लाइक करते हैं ना, तो मैं आपकी एनर्जीज को पकड़ पाती हूँ। आपके लिए मेरी रीडिंग्स रेजोनेट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना, इससे आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज मेरे से ट्यून होगी और मैं आपके लिए बेहतर रीडिंग्स कर पाऊँगी। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करूँगी तो आपकी जो कलेक्टिव एनर्जीज होगी वो मेरे साथ कनेक्ट होगी और वैसे ही प्रश्नों के जवाब आपको मेरे चैनल से मिलेंगे। तो इसीलिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो सके। तो आइए देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। हे माँ भगवती, प्लीज़ गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। जो भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं, ये जो टफ टाइम से अभी गुजर रहे हैं, इस टफ टाइम से वो कब तक बाहर निकल पाएंगे। ओके, देखिए, एनर्जी ऑफ द डेक आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैं इसको साइड में रखती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया, बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। उसके बाद मैं अभी देखती हूँ कि ये टफ टाइम आखिर आपके लाइफ में क्यों है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ये टफ टाइम आखिर क्यों है, क्या है ऐसे सिचुएशन जिनकी वजह से वो एक टफ टाइम्स, इस वाले टफ टाइम से गुजर रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के बीच ऐसे क्यों टफ टाइम है। ओके, सबसे पहली चीज़, ये जो टफ टाइम में आप आए हैं ना, ये आप अपनी ही वजह से आए हैं। मतलब आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, बहुत कुछ किया है, आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप, है ना, दूसरों के कंपैरिजन में, मतलब अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते करते आप अंदर ही अंदर, है ना, दुखी होते जा रहे हैं बिना किसी वजह के। मतलब आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन हर बार आप अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, अपने सिचुएशन को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको आपके अचीवमेंट्स या आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, वो आपको, आप उसको नज़रअंदाज करके सिर्फ दूसरों के साथ आपका कंपैरिजन चल रहा है, जिसकी वजह से आप दुख में हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी द हैंड मैन, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ना, देखो कितनी रेजोनेटिंग एनर्जीज है, कि सब कुछ है आपके पास, आपको सिर्फ आपके नज़रिए की वजह से, आपके सोच की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। जैसे देखो, अगर ये द हैंड मैन लिखा है, ये ऐसा है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे, अगर आप इस कार्ड को ठीक से देख पा रहे हो, तो ये देखो, जैसे आदमी ऐसे पकड़ेंगे तो दिख रहा है कि उल्टा लटका हुआ है पेड़ से, लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो देखो क्या दिख रहा है, आदमी पेड़ के सहारे बहुत ही अच्छे से बैलेंस बना के खड़ा हुआ है, ऐसा दिख रहा है ना। तो बस यही ये कार्ड आपको बता रहा है कि जैसे ही आप अपना माइंडसेट बदलोगे, अपने विचार बदलोगे, अपना सोचने का तरीका बदलोगे, तुरंत आपकी सिचुएशन आपको अलग नज़र आएगी, है ना। अभी आपको रिवर्स सिचुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दुखी है, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो बस अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है। ऐसा वो कह रहे हैं कि जैसे ही सोच को बदलोगे, आपका सिचुएशन को देखने का तरीका बदल जाएगा, ऑफकोर्स, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद में नाइट ऑफ अ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ अ सॉर्ड्स ये आया है कि इतना ज़्यादा विचार चल रहे हैं आपके मन में, इतना ज़्यादा तेज़ी से विचार चल रहे हैं कि हर एक क्षण में न जाने कितने विचार, 100, 150, 300, 500
इतने विचार आपके माइंड में इस वक्त आ रहे हैं, तो आपको इस वक्त स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, अपने माइंड को स्लो करने की ज़रूरत है। माइंड को स्लो करने के लिए आपको क्या करना है, अपने नज़रिए को बदलना है, क्योंकि नज़रिए को जब तक नहीं बदलोगे ये विचार आपके रुकेंगे नहीं। इतने ज़्यादा आपके विचार है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको ये गलत फहमी भी हो रही है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आपको ये बहुत गलत फहमी भी हो रही है, क्योंकि आप अपने विचारों को ही उस दिशा में दौड़ा रहे हो। इस वजह से आपको ये गलत फहमी भी हो रही है कि हाय मेरे ऊपर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या, मेरे लिए तो कोई चीज़ वर्कआउट ही नहीं कर रही है। मतलब आप चीज़ों में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, लेकिन आपको बार बार लग रहा है किसी ने तंत्र कर दिया है क्या मेरे ऊपर, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दी। ऐसे ही विचारों में आप जो है ना उसी में घिरे फिरे हो कि आपको ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने क्या कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दिया है, मेरी चीज़ें मेरे हिसाब से वर्कआउट नहीं हो रही है। ये सब आपके सोच से निकल के आ रही है। तो आपको आपका सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई तंत्र नहीं है। इनफैक्ट देखो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया है, मतलब अगेन यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि डिवाइन की इतनी कृपा है आपके ऊपर कि आपकी जो ज़िंदगी आप जी रहे हो ना वो किसी का सपना है। ठीक है, कोई आपके जैसा जीना चाहता है, जो आपके लिए रूटीन है ना वो किसी का सपना है, डेली रूटीन मेरा ऐसा होना चाहिए। तो मतलब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ आप अपनी सोच को नहीं बदल पा रहे हो, या आप सर्कमस्टेंसेस को उल्टा समझने की कोशिश करो, जिसकी वजह से आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकलोगे, कैसे आप ये नेगेटिव माइंडसेट से आप बाहर निकलोगे, मतलब आप ही की नेगेटिविटी आपको खा रही है। तो आइए देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स इस नेगेटिव माइंडसेट से कैसे बाहर निकले, वो कैसे बाहर निकल सकते हैं इस नेगेटिव माइंडसेट से, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ जो आई है द एम्परर का कार्ड आया है, और दूसरी जो चीज़ आई है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है, और तीसरा जो कार्ड आया है द टावर का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है ना कि आपको अपने आप को एक राजा की तरह आप अपने आप को फील कीजिए कि मेरे पास, आप अपना माइंडसेट चेंज करोगे ना तुरंत आपको आपकी राजा वाली जो कहते हैं ना कि इमेज नज़र आएगी। और एक आया है द क्वीन ऑफ अ सॉर्ड्स भी आया है, ये दो कार्ड्स को मैं बाद में देखती हूँ। पहली चीज़ आपको मैं ये कैसे आप इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, सबसे पहली चीज़ आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दीजिए। देखिए फाइव ऑफ अ सॉर्ड्स आया, इसका मतलब है आपको लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मैं अगर उसके लिए अच्छा कर रहा हूँ या मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है तो उसने भी रिटर्न में मेरे लिए वैसा करना चाहिए, मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया है तो उसने भी रिटर्न में मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस आपको ख़त्म करनी है सबसे पहली चीज़। आप दुखी क्यों है पता है आपके लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब आपको सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो आप बहुत दुखी हो रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो। ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है मैं तो सबके अच्छे बुरे में सबके साथ खड़ा रहता हूँ या रहती हूँ, या मेरे साथ कोई नहीं रह रहा। मतलब देखिए जितने भी लोग अभी मुझे यहाँ देख रहे हैं ना, ये लोग इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे कि आपके जीवन के जो 100 दुख है ना उसमें से 99% जो दुख है ना वो इस वजह से है कि आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हो। जिस दिन आप एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दोगे उस दिन आप दुखी नहीं होगे। मतलब आपसे जितना बन पड़े आप लोगों के लिए कर रहे हो और बस उसको वहीं पे छोड़ दिया तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी और आप दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही मैसेज दे रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस को छोड़ो, ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ रहे हो लोगों से, इस बात का कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपके साथ में अच्छे से व्यवहार करे या आपको सेम रेस्पॉन्स दे। ठीक है, ये नहीं होता, ये ऐसा ही है। क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शिव परिवार के हिसाब से एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे भगवान शिव, उनके गले में क्या है, सर्प है। भगवान जो गणपति जी हैं उनके वाहन कौन है, उंदिर मामा चूहा है ना, और जो उनके बड़े भाई हैं कार्तिकेय उनका वाहन क्या है, मोर है ना, और शिव जी हैं उनका वाहन क्या है, नंदी जी, और मैया हैं उनका वाहन क्या है, शेर। तो अभी आप मुझे बताइए क्या सांप और चूहा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं।
और सांप और मोर एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। क्या गाय और शेर एक साथ एक परिवार में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे शिव परिवार के माध्यम से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि हर कोई अलग अलग होता है एक परिवार में, लेकिन सबके गुणों को और अवगुणों को अपनाते हुए हमें क्या करना है, हमारी पारिवारिक सिस्टम जो है, जो हमारा कुटुंब व्यवस्था है, उसको बांध के चलना है ना। यही हमें शिव परिवार से मैसेज मिलता है। तो बस आपको यहाँ पे मैं यही मैसेज देना चाह रही हूँ कि चाहे सिचुएशन जैसी भी है, आप एक्सपेक्टेशंस छोड़िए और आपका जो बेहतर होता है वो आप करके आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अगर आप उन मैंने जो यहाँ पे एडवाइस दी है आपको, अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो द टावर का काढ़ा है, मतलब आप अपने आप को बर्बाद कर दोगे, आप अपने आप को पूरी तरह से तबाह कर दोगे। तो इसीलिए आपको जो है इस वाले सिचुएशन से बाहर आएंगे तो ये वाला सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो मैंने शिव परिवार वाला एग्जाम्पल आपको दिया है। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आ गए तो आप एक राजा की भांति, आप है ही राजा, राजा की भांति बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, आप अपने आप में राजा ही हैं। आप एक बहुत ही कंफर्ट और लग्जरी वाली कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, मतलब आपकी लाइफ ऐसी है ना कि दूसरे लोग ऐसी लाइफ के सपने देख रहे हैं, तो आप वैसे राजा की तरह जिएंगे। अगर आप फीमेल हैं और ये मेरा वीडियो देख रही है तो आप एक रानी की तरह पूरे कहते हैं ना ऐशो आराम के साथ, पूरे शानो शौकत के साथ अपनी जीवन को जिएंगे आप, ठीक है। तो इस सिचुएशन से बाहर आना है। तो दोस्तों ये वीडियो जनरल गाइडेंस है आप सभी के लिए और ये टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगा और आपको बहुत अच्छा एक रिलैक्सिंग फील आएगी ये वीडियो देखने के बाद। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये थी आप सभी लोगों के लिए मेरी एक कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो भी लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं वो लोग मुझे 7666080199 पे व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट फिक्स करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।